हरियाणा एक उत्तर भारतीय राज्य है। हरियाणा शब्द का अर्थ है भगवान का निवास। इस राज्य का गठन 1966 में पंजाब के पूर्वी प्रांत को विभाजित करके किया गया था। इसकी सीमा उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम और दक्षिण में राजस्थान और पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगती है। वैसे तो ये भारत के उन राज्यों में से एक है जहाँ की आधी से ज्यादा आबादी खेती बाड़ी के काम में लगी हुई है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति का मुख्यालय हरियाणा के गुड़गांव में है। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी दो पहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो होंडा का हेडक्वार्टर भी गुड़गांव में है। और अगर आप भारत के उत्तरी राज्य से हैं, तो आपको पता ही होगा कि हीरो होंडा बाइक नहीं, इमोशन है। आज की वीडियो में हम जानेंगे हरी और हरियाली की भूमि हरियाणा के बारे में कुछ रोमांचक फैक्ट जो खुद हरियाणवी लोगों को भी नहीं पता होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, कई ऐतिहासिक लड़ाइयाँ जैसे कि महाभारत की, पानीपत की और कुरुक्षेत्र की लड़ाई हरियाणा में ही लड़ी गई थी। दूसरा, हरियाणा 100% ग्रामीण विद्युतीकरण वाला भारत का पहला राज्य है। इसका मतलब है कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ के हर गांव में बिजली पहुँच गई है। तीसरा, पूरे भारत में बासमती चावल भेजने वाला हरियाणा सबसे बड़ा राज्य है। चौथा, क्योंकि हरियाणा बाद में पंजाब से अलग किया गया था, इसीलिए हरियाणा और पंजाब की राजधानी सेम है, चंडीगढ़। पांचवां, हरप्पा सिविलाइजेशन की शुरुआत हरियाणा के राखीगढ़ में हुई थी और इसके निशान हिसार जिले तक फैले हुए हैं। छठवां, सरस्वती नदी के किनारे जो वर्तमान हरियाणा है उस क्षेत्र में कुछ निशान है जिससे पता लगता है कि वहां वेद लिखे गए थे। सातवां, 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में भारत ने जो 38 गोल्ड मेडल जीते थे उनमें से 22 हरियाणा के लोगों ने जीते थे। आठवां, गुड़गांव के बारे में माना जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने इसी जगह पर पांडव और कौरव को आध्यात्मिक शिक्षा दी थी। नौवां, सुल्तानपुर में पक्षी सेंचुरी 145 हेक्टेयर में फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो 250 से अधिक निवासी और प्रवासी पक्षी प्रजातियों की मेजबानी करता है। ये हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। दसवां, सूरजकुंड में, सूरजकुंड का नाम 10वीं सदी के सूर्य कुंड के नाम पर रखा गया है जिसे सूर्य की पूजा करने वाले तोमर वंश के नेता राजा सूरजपाल ने यहाँ बनवाया था। ग्यारहवां, कुछ जानकारों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने एक विशाल यज्ञ करने के बाद कुरुक्षेत्र के ब्रह्मा सरोवर से यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का निर्माण किया था। बारहवां, पानीपत शहर का उल्लेख महाभारत के 5 पांडव भाइयों द्वारा स्थापित 5 शहरों में से एक के रूप में मिलता है। तेरहवां, नेशनल कैक्टस एंड बोटानिकल गार्डन एंड रिसर्च सेंटर एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है और यहां कैक्टस की 3500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। चौदहवां, एक वार्षिक कार्यक्रम आम मेला जून या जुलाई के महीने में पिंजोर के मुगल गार्डन में आयोजित किया जाता है जो कि हरियाणा में है। 1992 से शुरू हुआ ये मेला आज भी वहाँ लगता है और यहाँ लगभग पूरे देश से आम आते हैं। पंद्रहवां, भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर में अर्जुन को पवित्र भागवत गीता में निहित कर्म के दर्शन का उद्देश्य दिया था। सोलहवां, तीरों की सैया पर लेटे भीष्म पितामह को जब प्यास लगी थी तब अर्जुन ने जमीन में एक तीर मारा जिससे पानी की तेज धारा निकली। इसके बाद में उसे भीष्म कुंड के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का इतिहास और आज का हरियाणा इतिहास रच रहा है। इतना सब कुछ जानने के बाद अगर और भी कुछ है जो आप जानते हैं हरियाणा के बारे में तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा। प्लीज कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कैसे हम अपने वीडियो को और बेहतर बना सकते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। मिलते हैं ऐसी ही किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।